नमस्ते। बिफोर आई गो इन टू पॉइंट्स, कंसिडर टू सिनेरियोस। इन सिनेरियोस से आपको ये पता चलेगा कि भाई डिप्लोमेसी एक्चुअल में कितनी खतरनाक और मुश्किल चीज़ होती है। पहला सिनेरियो, इंडिया रशिया को कंडेम करता है। दूसरा, इंडिया रशिया के केस में न्यूट्रल रहता है। पहले को कंसिडर करते हैं। दुनिया रशिया के इस वक्त ऊपर चौधरी बन के बैठा हुआ है, पूरी के पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। एज अ रिजल्ट रशिया चाइना की ओर क्लोज जा रहा है। वेस्ट इंडिया को काफी फोर्स कर रहा है रशिया को कंडेम करने के लिए। क्वाड की मीटिंग में भी इंडिया को यही कहा गया। सिनेरियो नंबर वन, इफ वी लिसन टू द वेस्ट एंड क्रिटिसाइज इन यूनियन, वी विल लूज रशियाज फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, अलायंस दैट पुशेस रशिया फर्दर क्लोजर टू चाइना। चाइना एंड पाकिस्तान ऑलरेडी एलाइज हैं। इफ दिस वॉर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज रशिया एंड इकोनॉमिक कैपेसिटीज, देन डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज हम वेस्ट की नजर में और हिस्टोरिकल नैरेटिव में सही जगह खड़े हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वॉर अगर रिजल्ट ये है कि रशिया रिमेन्स पावरफुल, क्योंकि किसी तरह का यू नो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, डील साइन हो जाती है, कुछ भी, देन वी एंट्रैप आवरसेल्व्स अगेंस्ट एन अलायंस ऑफ चाइना, चाइना डिपेंडेंट रशिया एंड चाइना डिपेंडेंट पाकिस्तान। दो तरफ से तो घिरे हैं ही, एक अलाय जो है वो भी दुश्मन के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इन दैट केस हम रिलाई करेंगे अमेरिका पे, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हेल्पिंग तो आपको दिख ही रहा है। सिनेरियो टू, इंडिया स्टेज न्यूट्रल, जिसको वेस्ट देखता है कि भाई आप ये रशिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं साइलेंटली, एंड वॉर के खत्म होते होते दे डू एक्चुअली डिस्ट्रॉय रशिया इकोनॉमिकली कंप्लीटली। उसके बाद दे माइट टर्न टू इंडिया एज अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी विच डिड नॉट स्टैंड फॉर द वैल्यूज ऑफ द वेस्ट। हमें चाइना के साथ जोड़ दिया जाए, इन्वेजन को सपोर्ट करने वालों में समझा जाए, हमारी इमेज को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, सॉफ्ट पावर में इफेक्ट पड़ सकता है, और फ्यूचर में हो सकता है रिलेशंस में भी फर्क पड़ना शुरू हो जाए इस डिसीजन के कारण। ये दोनों सिनेरियोस बहुत रियलिस्टिक और खतरनाक हैं फ्यूचर के लिए, बिकॉज पूरा वेस्ट इस वक्त एक नई दिशा में सोच रहा है जो पहले नहीं कर रहा था। 2014 में भी जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, कोई दुनिया ऐसे सठिया नहीं गई। जर्मनी 100 बिलियन यूरो डाल के आर्मी बिल्ड करने नहीं लगा। स्विट्जरलैंड अपनी न्यूट्रलिटी को छोड़ के रशियन एसेट्स को फ्रीज करने नहीं लगा। लंदन अपनी रियल एस्टेट और इज्जत बेच रहा था रशियन ओलिगार्क्स को। 2014 में अमेरिका ने अपने सैंक्शंस मार दिए, जिससे रशिया को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। बट दिस टाइम ये इकोनॉमिक वॉर कर रहे हैं फुल फोर्स में हर रोज। अब इंडिया की पोजिशन को स्टडी करते हैं पॉइंट्स में। वन, वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज ऑन बोथ साइड्स दैट आर अलाइज विद ईच अदर, ठीक है, पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिससे दुनिया ट्रेड कर रही है। चाइना में जेनोसाइड हो रही है, पर दुनिया आंखें मीच के बैठा है। कहां है सैंक्शंस? जैसे अभी रशिया पे मार रहे हो, वीगर मुस्लिम्स इंसान नहीं है, उनको कैंप में डाल रखा है। 500 रिपोर्ट्स आ गई हैं, 500 तुम्हारे तरह के एक्सपोज हो चुके हैं, सैटेलाइट से फुटेज आ गई है, फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, हत्या हो रही है, स्लेव ट्रेड हो रहा है, घंटा। दुनिया की भी लॉन्ग टर्म हिपोक्रेसी नोटिस करना। इंडिया के साथ बॉर्डर इंकर्शन चलते रहते हैं, वो घुसते रहते हैं। ऐसे देखो दुनिया को, ये 99% टाइम प्रटेंड करते हैं या तो सोने की या फिर जान के अनजान बनने की। 1% होता है इतिहास में जब ये खड़े होते हैं, अभी वो 1% चल रहा है। डिप्लोमेसी सेट करनी चाहिए 99% टाइम में ये कैसे बिहेव करते हैं। टू, चाइना और रशिया ऑलरेडी काफी करीब हैं। इस सिचुएशन के बाद चाइना विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज रशिया इज लेफ्ट विद। जैसे जैसे रशिया और इकोनॉमिकली आइसोलेटेड होता जाएगा, वो और चाइना मार्केट और ट्रेड पे डिपेंडेंट होता जाएगा। चाइना की कैपिटल मदद भी करेगी इन सैंक्शन से, और चाइना का अपना क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS स्विफ्ट को रिप्लेस करने में मदद कर सकता है। ऑल्दो ये दोनों ही चीजें दे वोंट मेक अप फॉर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस जो इस वक्त खतरनाक रशिया पे पड़ रहे हैं। थ्री, मॉस्को एंड बीजिंग आर इक्वल पार्टनर्स इन बीइंग डिक्लेयर्ड एंटी वेस्टर्न रिजीम्स। मॉस्को और बीजिंग ऑलरेडी एंटी वेस्टर्न रिजीम्स देखी जाती हैं, जो कि यूएस को अपना डायरेक्ट एनिमी मानती हैं। इन दोनों के ही देशों में भरा भर स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटी वेस्ट एंटी यूएस न्यूज चलती रहती है 24/7। न्यूयॉर्क टाइम्स की कभी रिपोर्ट आई है कि रशिया स्टेट न्यूज जो तुम्हारी बैन हो गई है पूरे वेस्ट में, फेसबुक से, यूट्यूब से, सब जगहों से हटा दिया गया इनको, आरटी और स्पुटनिक को पूरा एक्सेस चाइना दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि वीबो हो गया और जितने भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। चाइना सुपर प्लेटफॉर्म दे रहा है वॉर के टाइम पे, जो देश आपको ऐसे सपोर्ट कर रहा है, एक अलग रिश्ता बनता है उनमें। थ्री, पाक एंड रशिया आर ऑल्सो फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स। 1990 तक रशिया और इंडिया साथ में कोऑपरेट कर रहे थे अगेंस्ट तालिबान। रिसेंटली रशिया हैज स्विच्ड इट्स टोन अगेंस्ट तालिबान। जब अफगानिस्तान में अभी तालिबान टुक ओवर, तो रशिया ने अपनी एम्बेसी भी क्लोज नहीं करी थी। ऊपर से तालिबानी फाइटर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे काबुल में रशियन एम्बेसी को। रशिया और तालिबान की एक अलग अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए तालिबान की स्टेटमेंट भी आई थी कि किसी रशियन डिप्लोमैट के सर पे एक बाल भी हर्ट नहीं होगा। पाकिस्तान का एटीट्यूड देखो, चाइना का एटीट्यूड देखो, और अब रशिया का एटीट्यूड देखो तालिबान के प्रति, तो तीनों में कोऑर्डिनेशन दिखता है। ऑल्सो वॉर शुरू होने से पहले इमरान खान तुम्हारा रशिया में भी थे। फोर,
India and Russia have a strong historical relationship since 1950. India became the first non-communist country to receive Soviet weaponry aid. अभी S-400 missile systems खरीदा हमने जिसपे already Biden sanctions मारने की सोच रहे हैं. टर्की जो कि एक NATO में है उन्होंने भी same system खरीदा था रशियन से and US ने sanctions ठोके टर्की पे. Also cut off किया टर्की को from future weapons deals with the US. इंडिया के 50% आर्म्स के इंपोर्ट रशिया से आते हैं. ओवर 60% इंडियन आर्मरी बेसिकली रशियन मेड है या लाइसेंस्ड है. ये शेयर अब कम हो रहा है. यूएस एक्सपोर्ट्स कर रहा है इंडिया को, फ्रेंच एक्सपोर्ट्स बढ़े, इजरायली एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बिगेस्ट आज भी रशियन ही है. एक बहुत बड़ा रीजन उसका यह है कि रशिया अपनी लेटेस्ट इक्विपमेंट हमेशा इंडिया से शेयर करने को तैयार रहता है, यूरोप और यूएस नहीं करते. 5 बाय ओपनली क्रिटिसाइजिंग वी रिस्क रशिया गोइंग ऑल आउट इनटू द आर्म्स ऑफ चाइना. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो. जो वेस्ट को ना दिखाई देती है ना समझ आएगी. यूरोप और यूएस को लगता है कि दुनिया यही है एंड दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोग भी यही हैं. इसको यूरोसेंट्रिसिटी कहते हैं. 6th स्टेइंग न्यूट्रल डज नॉट मीन सपोर्टिंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. ये बात पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आती. एक डेमोक्रेसी पे इन्वेजन हो रहा है, लाखों मासूम लोग, बच्चे, माँ बाप, छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं, बीमार लोग, लोग जिनका इलाज चल रहा था, सर्जरी स्केड्यूल थी, लोग जिनको कोई लेना देना नहीं था, बस अपनी बीवी, बच्चे, फैमिली, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में करियर, ये सब पे जो फोकस कर रहे थे, वो मरेंगे. हाउ कैन यू सपोर्ट दैट. इंडिया में एक अलग ही कॉल ऑफ ड्यूटी वाली रियलिटी भी चलती है भाई इंसान के दिमाग में. उसको लग रहा है भाई ये गेम चल रहा है, पुटिन ये, पुटिन वो. इंडिया ने दबा के ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है यूक्रेन को. हम न्यूट्रल हैं. इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. सपोर्ट करेंगे एक डेमोक्रेसी का इन्वेड होना. 7 लास्टली अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड. अभी S-400 खरीदा तो सीधे सैंक्शंस मारने की बात आ गई. ऑल्सो यूएस का अलाय बनना बेसिकली है यूएस का गामुर बनना. बात ट्रस्ट की भी नहीं है, बात है फोरसाइटेडनेस की. लंबा गेम, इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्यूचर, न्यूक्लियर आर्म्ड चाइना, न्यूक्लियर आर्म्ड पाक, देन रशिया, जिसका क्या होने वाला है हमें अभी नहीं पता. डिप्लोमेसी ट्रूली बहुत ही डेंजरस, डरावनी चीज है, क्योंकि आप जो स्टेप अभी लेते हो वो आपकी लाइफ टाइम इंक की तरह याद रखेंगे हर कोई इंसान जिनसे आप रिश्ता बिल्ड करोगे फ्यूचर में. अगर रशिया की फ्यूचर में हालत बुरी हुई और हमने कंडेम नहीं किया, क्या वेस्ट हमें फ्यूचर में कॉर्नर कर लेगा, या रशिया की हालत सही रहती है और हम कंडेम कर देते हैं, फिर वो फ्यूचर में एक नई अलायंस को जन्म देते हैं जो हमारे लिए न रखे. डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन बिकॉज इंसान डिजर्व नहीं करता जो पॉलिटिशियंस भौंक के शुरू कर देते हैं. मेडिकल एड और नॉन वायलेंस पे और पीस रिस्टोर करने की स्टेटमेंट्स आती रहनी चाहिए. इवन इंडियंस को सिंपैथी और कंपैशन दिखाना चाहिए ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में, बिकॉज बहुत ज्यादा मैटर करता है आप किस इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करो कि उसको लगे मैंने ये जिस इंडियन से बात करी और वो सोचे दिस इज हाउ इंडियंस थिंक. इंसान अनफॉर्चुनेटली ऐसी सोचता है, एक एक्सपीरियंस को वो ग्रुप या कलेक्टिव एक्सपीरियंस की तरह देखता है. तो जितना इंडियंस भी डिप्लोमेटिकली खेल सकते हैं खेलना चाहिए. बना के रखो सबसे, फालतू के फैंटम ना बनो. अपने रियल इंटेंशंस और थॉट्स को अगर एक सेकंड में बिखेर देते हो तो तुम गधे के मैदान से आए हो, खिलाड़ियों या थिंकर्स के नहीं. सूझबूझ, रीड द रूम, प्ले द रूम. डिप्लोमेसी ये होती है, भावनाओं को अपने स्लीव्स पे ना रखो, सामने वाले के भावों ख्याल जानो, घटिया से घटिया टेंडेंसीज ना दिखाओ, गालियां मत बको उनको जिनसे डिसएग्री करते हो, अपने देश का नाम खराब होता है. पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है कि हम लोग को न्यूट्रल रहना चाहिए, बट हमें लीन करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ों पे हम अगर फाउंडेशन बना सकते हैं ऑफ द मैसेज. जो कि अगर कोई सोचता है इंडियन क्या सोच रहे हैं, इंडिया का स्टेट या इंडिया की पोजीशन क्या है, तो मे बी हम इतनी ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे हैं कि वो बन जाती हैं द स्टेटमेंट्स, द एक्सप्रेशंस, द जब इंसान कुछ टाइप कर रहा है तो वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो इंसान को पढ़ने में आ रहे हैं, रैदर देन कि हम सपोर्ट करते हैं या कंडेम करते हैं इस डिबेट से. एंड ये नैरेटिव भी हम अपने हाथ में ले सकते हैं. हमें ये भूलना नहीं चाहिए हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं. 20 साल में, 30 साल बाद तुम्हें नहीं पता इंडिया कहाँ होगा, लेकिन इंडिया को ये आज से सोचना पड़ेगा कि हम 30 साल बाद कहाँ होंगे, इसलिए अपने कदम अभी से भी कैसे चलें. लेगेसी ऐसे बनती है. आपका क्या ख्याल है इस मैटर में प्लीज नीचे लिखिए. चैनल भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्ते.